फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। फ्रेंड्स, आज का रीडिंग भी लव रीडिंग ही है, लेकिन ये थोड़ा अलग है आम रीडिंग से, थोड़ा सीरियस है। सीरियस इसलिए क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं बेचारे जिनका प्यार मुकाम पे नहीं पहुंचता। एक दूसरे से प्यार करते हैं लेकिन शादी अलग अलग जगह पे हो जाती है। कई बार एक की शादी हो जाती है, दूसरा राह देख रहा होता है। कई बार किसी की शादी कहीं और तो हो जाती है पर उसका दिल वहां नहीं लगता, उसे लगता है उसने अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड से दगाबाजी की है और फिर से वो रिलेशनशिप में लौटने की कोशिश करते हैं अपनी शादी के साथ। उन्हें लगता है वो इनजस्टिस कर रहे हैं और अपने प्यार के साथ भी इनजस्टिस कर रहे हैं। इस तरह के रिलेशनशिप को आमतौर पर समाज बोलता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, लेकिन मेरी नजर में ये प्यार भी प्यार ही है। अगर वो किसी मुकाम पे नहीं पहुंचा, क्योंकि प्यार की कोई परिभाषा नहीं होती, इसका कोई डेफिनेशन एज सच नहीं होता। आप ये नहीं कह सकते इसका प्यार सही है उसका गलत है, प्यार तो प्यार ही होता है। अगर आपने इंग्लिश में वो लाइन सुनी है, दे फॉल इन लव, क्यों हम बोलते हैं वो फॉल इन लव होते हैं। आप लव में राइज नहीं करते, आप लव में फॉल ही करते हैं, क्योंकि आप सब कुछ भुला के बस एक दूसरे से प्यार करते हैं। कई नसीब वाले होते हैं जिनका प्यार अपने मुकाम पे पहुंचता है, कई बेचारे होते हैं जिन्हें चुराए देखते रह जाते हैं। लेकिन आज की रीडिंग उन लोगों के लिए है जो अपने प्यार को सच्चा मानते हैं, चाहे उनका प्यार आज किसी और के साथ है लेकिन उन्हें लगता है उस पर हक उनका है, तो ये प्यार उन्हें मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, आज की रीडिंग इसी पर है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी रीडिंग। तो फ्रेंड, शुरू करते हैं हम अपनी रीडिंग। पाइल वन है, पाइल टू है, फाइव कार्ड्स हैं ईच पाइल में, क्योंकि ये रीडिंग थोड़ा लंबा है। आपके पास दो चॉइसेस हैं, पाइल वन में पिंक कैंडल है, पाइल टू में ग्रीन कैंडल है। जिस भी पाइल से आपका रिजोनेशन बहुत इजीली हो रहा है, इंस्टिंक्टिवली हो रहा है, इम्पल्सिवली हो रहा है, उस पाइल को आप सिलेक्ट कर लें। मैं फिर से आपको क्वेश्चन याद दिला रही हूं। आपका पार्टनर या आप किसी और के साथ मैरिज में बंधे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि आप और आपका जो लव है वो मिल जाए, जो मुश्किल है क्योंकि सामाजिक दायरा ये सब आप बहुत सोचते होंगे, आपको परेशान करती होगी ये बात, और आपके मन में चिंता है कि आपका लव और आप मिलेंगे कि नहीं। ठीक है, आपने पाइल सिलेक्ट कर ली ये सोचते हुए। मैं फर्स्ट पाइल को रीड कर रही हूं, लेकिन पहले आपको बता दूं जो फर्स्ट कार्ड है ये लड़की को रिप्रेजेंट करता है, बॉय जो भी रिलेशनशिप में है, और उसकी फीलिंग्स। ये कार्ड लड़की के लिए है जो इस रिलेशनशिप में है, और उसकी फीलिंग्स और उसका रिजल्ट, इस सिचुएशन का रीडिंग का रिजल्ट सेम इसी पाइल में है। लड़का, उसकी फीलिंग्स, लड़की, उसकी फीलिंग्स, इस आपके करंट रिलेशनशिप के लिए जो भी है और उसका रिजल्ट। आइए शुरू करते हैं फर्स्ट वन पिंक से। मैं कोर्ड कार्ड्स खोल देती हूं। लड़की जो है, मैं आपको कार्ड्स के नाम बता देती हूँ, मैं नहीं डिस्टर्ब करना चाहती इस रीडिंग कोर्ड कार्ड को, क्योंकि एक तो दो ही पाइल्स हैं और मुझे बहुत इंटेंसली इसको रीड करना है। सिक्स ऑफ कप्स लड़के के लिए है, उसकी फीलिंग्स है मून। लड़की है एम्परर, उसकी फीलिंग्स है सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, और रिजल्ट है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आपने सुन लिया आप कार्ड का क्या है। जो लड़का है वो इस एक तो पहले मुझे एक चीज दिख रही है इस रिलेशनशिप में कि आपका और आपका जो लव है, शायद आप बचपन से एक दूसरे को जानते थे या बहुत यंग एज से जानते थे, और आप लोग सेपरेट हो गए हैं, आप लोगों की शादी कहीं और होगी, लेकिन आज भी आप जुड़े हुए हैं, आप एक दूसरे को भुला नहीं पा रहे हैं। या तो ये सिचुएशन है, या तो जो लड़का है वो इस रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा उतावला है, बच्चे की तरह वो चाहता है जल्दी से जल्दी इसका रिजल्ट आ जाए। पहला सिचुएशन या दूसरा, दोनों में से कोई एक जरूर है इस रीडिंग में। सेकेंडली, लड़का बहुत ही चिंतित है। जो लड़का है इस रीडिंग में जो पार्टिसिपेट कर रहा है, बॉय या मेल, इस सिचुएशन के लिए बहुत ही विचलित है, बहुत परेशान है, उसे समझ नहीं आ रहा होगा क्या इस रिलेशनशिप का, हाथ पैर मार रहा है बच्चों की तरह। लड़की थोड़ी ठहराव से बिहेव कर रही है, वो थोड़ी काम है, कंपोस्ड है, बहुत शांति से अपने कदम को रख रही है, क्योंकि उसको दो चीजों को संभालना है। आमतौर पर औरतों पे, फीमेल्स पे, लड़कियों पे ज्यादा टेंशन रहता है, क्योंकि उसको अपने ससुराल से भी आंसरेबिलिटी होती है, अपने प्रेमी से भी आंसरेबिलिटी होती है, तो उसकी जो स्ट्रेस लेवल है वो हाई होती है। तो वो बहुत ही सोच समझकर रिलेशनशिप में फूक फूक के कदम रख रही है, सोचते हुए कि जब सही वक्त होगा, ये दिखाता है सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, आप देख सकते हैं कि जब सही वक्त होगा वो निकल पड़ेगी उस रिलेशन से जो उसे बंधन लग रहा है। रिजल्ट कह रहा है
जीत लड़की की होगी, मतलब चांसेस बहुत ज्यादा है कि वो उसका प्रेमी मिल जाएंगे, मतलब लड़का और लड़की जो रिलेशनशिप मैरिज से बाहर है उसमें सक्सेसफुल होंगे, ऐसा ये रीडिंग बता रही है। चलो गुड लक टू यू ऑल, अच्छी रीडिंग है। अब हम सेकंड पे, मैं जरा यहां शिफ्ट कर लेती हूँ इनको। अब हम सेकंड जिन्होंने सिलेक्ट किया है ग्रीन कैंडल, गौर से सुनिए आप अपनी रीडिंग। क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पता है, मैं कार्ड्स बोल रही हूं। मुझे कार्ड्स को डिस्टर्ब नहीं करना, मैं आपको बता देती हूँ। लड़का है पेज ऑफ रॉड्स या वॉन्ड्स, उसका जो फीलिंग है रिलेशनशिप ने, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। लड़की है द स्टार, उसकी फीलिंग है किंग ऑफ कप्स, और रिजल्ट है फाइव ऑफ वॉन्ड्स। इसको नेगेटिव तो नहीं कहूंगी, लेकिन थोड़ा सचेत आपको रहना है जिन्होंने भी ये पाइल को सिलेक्ट किया है। जो लड़का है वो बहुत ज्यादा उतावला इसमें भी है, आप पता नहीं क्यों लड़के तो उतावले क्यों होते रिलेशनशिप में, वो काफी लोगों से डिस्कस कर रहा है इसके बारे में। मैंने पिछली एक दो एपिसोड के पहले एक रीडिंग की थी जिसमें मैंने ये बताया था, जब भी आपके मन की कोई इतनी बात हो, गहरी हो, और जो सामाजिक तौर पे एक तो एक्सेप्टेबल नहीं होती, मत इधर उधर ये बातें बताया कीजिए, जिनसे आप शेयर करते हैं जो आपकी मदद एक तो कर नहीं सकते, ऊपर से वो आपके राह में रोड़े अटकाते हैं, तो आप ये रिलेशनशिप के बारे में इधर उधर सबसे बोलना बंद कर दें, वो आपके लिए बेहतर रहेगा, इधर उधर ना बताएं। सेकेंडली जो लड़का है उसकी फीलिंग्स बहुत ही, उसको पश्चाताप है, आपको ज्यादा पता होगा आप किस बात से पश्चाताप में, कि आप लड़की को इतना एक्सपेक्ट करके शायद उसे परेशान कर रहे हैं, या आपके खुद की फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, कुछ भी आपको एक इस रिलेशनशिप में पश्चाताप का एलिमेंट बहुत ज्यादा है, पछता रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं ऐसा मैं क्या करूं कि सब ठीक हो जाए, वो तो बहुत नॉर्मल है इस तरह की सिचुएशन में ये फील करना। जो लड़की है वो यहां भी थोड़ी कंपोज्ड ही है, उसको पूरी तसल्ली है, वो पॉजिटिव है इस रिलेशनशिप को लेके, कि जो होगा अच्छे के लिए ही होगा, वो ऐसी आशा से, ऐसी पॉजिटिविटी से इस रिलेशनशिप में चल रही है, वो खुशी है इस रिलेशनशिप में, उसको वो बैलेंस शिफ्ट कर पा रही है अपना ससुराल या जो भी है, और आपके साथ रिलेशनशिप को बैलेंस कर पा रही है, और वो ये सोच रही है कि वो आपसे मिल ही जाएगी, उसके मन में ये चल रहा है कि वो आपसे मिल ही जाएगी, जस्ट लाइक योर फर्स्ट रीडिंग। लेकिन जो आपका रिजल्ट कार्ड है वो फर्स्ट पाइल जैसा नहीं है, थोड़ा आपको संभल के रहना है, क्योंकि ये रिजल्ट बता रहा है कि जब इसका ये रिलेशनशिप का खुलासा होगा, लोगों को पता चलेगा, तो बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, बहुत झगड़े लड़ाइयां होंगी, शायद आप दोनों के बीच में हो जाए, शायद आप दोनों की फैमिलीज के बीच में हो जाए, या जो आपके साथ रिलेटेड है इस रिलेशनशिप को लेकर, जो आपकी मदद कर रहे हैं, सब आपस में झगड़ पड़ सकते हैं, ये रिलेशनशिप टूट भी सकता है या हमेशा के लिए जुड़ भी सकता है। टूटने की संभावना ज्यादा है इसमें, क्योंकि बहुत ज्यादा झगड़ा दिखा रहा है, तो मैं आपको सिर्फ एक एडवाइस दूंगी, आप लोग बहुत सोच समझ कर, अगर आप इतनी भी केयर करेंगे, क्योंकि मैं कोई भी रीडिंग बस यू ही नहीं कर देती, मैं आपको हमेशा सॉल्यूशन, फर्स्ट पाइल में मुझे सॉल्यूशन बताने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो अपने आप में बहुत पॉजिटिव रीडिंग आ रहा है उसका। आपके केस में आपको ये करना है कि जो लोग आपकी मदद नहीं कर सकते, तो उनसे डिस्कस करना बंद कर दें, या तो उनको ये बता दें कि आपका रिलेशन नहीं रहा है, ऐसा ही बताएं, ताकि उनको उनके माइंड से बात हटने लग जाए। जितने कम लोगों को ये एहसास होगा कि आपका रिलेशनशिप अब नहीं है आपके लवर से या बिलवर से, उतना अच्छा है। जो लोग सही मायने में आपकी मदद कर सकते हैं रिलेशनशिप में, बस उन्हीं से सलाह मशवरा कीजिए, उन्हीं को इस बात के बारे में अपडेट रखिए, हर किसी को मत बताते रहिए, आपका रिलेशनशिप संभल सकता है। लेकिन फाइनली मैं यही कहूंगी, इस रिलेशनशिप का जो भी अंजाम होगा, जैसा भी निकलेगा, अगर ये निकलता है लड़ाई झगड़ा, तो दूर हो जाए वही अच्छा है, और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर एक दूसरे के हमेशा के लिए हो जाए, लेकिन आपको बहुत अकलमंदी से काम लेना पड़ेगा, फालतू लोगों को बीच में से निकाल दें, आपके लिए वही सही रहेगा, और थोड़ा राह देखिए, थोड़ा रुकिए, पूरी संभावना है कि पांच दिन तो नहीं मैं कह सकती, लेकिन पांच हफ्ते भी नहीं, पांच महीनों के अंदर अंदर एक फाइनल वर्डिक्ट आपको मिल जाएगा इस रिलेशनशिप में। अगर आप बावरे बन के रहेंगे, जो मन में आएगा करते रहेंगे, तो रिलेशन टूट सकता है, थोड़ा संभल कर संयम से काम लेंगे तो रिलेशन टिक भी सकता है।
दोस्तों आपको अपनी रीडिंग का रिजल्ट पता चल गया, जरूर मुझे यहाँ अगर आप कमेंट बॉक्स में इसके बारे में नहीं बात करना चाहते तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मेल लिंक आपको मिलेगा। तो फ्रेंड्स आज की रीडिंग आपने देख ली, आपको रिजल्ट भी पता चल गया। अगर इस रीडिंग से किसी भी तरह से आपका दिल दुखा हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दे, क्योंकि इस रीडिंग से मेरा कोई भी प्राइवेटली कोई फायदा या नुकसान नहीं है। ये रीडिंग मैंने सिर्फ आपके लिए की है ताकि आपको एक सही मार्गदर्शन मिले, एक सही सलाह मिले, एक सही रास्ता दिखे। तो ध्यान में रखते हुए लाइफ में आगे बढ़िए, सब अच्छा होगा। अगर आपके मन में साफ है, सफाई है, एक दूसरे के लिए बेहद प्यार मोहब्बत है तो आपका जो रिश्ता है वो किसी ना किसी ऐसे मुकाम पर जरूर पहुंचेगा जिससे आपको संतोष हो। तो आज के लिए इतना काफी, आपकी दोस्त आरजे मधुरा, लव यू ऑल, सी यू सून, बाय बाय। एक और बात, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है जो आपको परेशान करता है जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, जब आपका टर्न आएगा मैं वो रीडिंग आपके लिए जरूर करूंगी।